नमस्कार। यहाँ पर कई जिलों से बड़े बड़े व्यापारी नेता आए हुए हैं। मेरे कैमरे की नजर में देख रहे होंगे अलीगढ़ के एक व्यापारी नेता, नाम है उनका मानव महाजन। कैसा महसूस कर रहे हैं बरेली में आने के बाद, क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शक सुनना चाहते हैं? हिंदुस्तान में सबसे पुराना सबसे बड़ा व्यापार मंडल है ये। राज्य जिस प्रकार यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने समस्या रखी है, 13 अप्रैल को जो तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी वहाँ एकत्रित होगा और अपनी आवाज़ को जो तरीके से प्रयोग करेगा, सरकार को व्यापारियों की बात माननी ही पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर आज तय हुआ है। बहुत अच्छा माहौल। देखिए, मानव महाजन ने भी कहा है कि आज के इस सम्मेलन में भाजपा के विधायक और वन मंत्री के सामने जो समस्याएं उठाई गई हैं, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं व्यापारियों की मांग रंग लाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। राज भी करता हूँ, उनको नतमस्तक भी हूँ, लेकिन उसके 14 वर्ष बाद राजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक चीज मैंने व्यापार मंडलों की बैठकों में अक्सर सरकार के प्रति एक आक्रोश देखा है, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब हमारी व्यापार मंडल कमजोर हुए हैं, आप इसको ऐसे मत आंकिए कि कमजोर हुए भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद। कहीं ना कहीं जब सरकारें ऐसी हुआ करती थी जिनसे हम डरते थे, तब कहीं हमको लगता था कि व्यापार मंडल हमारा मजबूत होना चाहिए और हम व्यापार मंडल को ताकत देते थे। लेकिन जब कहते हैं चौकीदार थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, जब सीटी ढंग से बजाने लगता है, तो हम लोग भी बेफिक्री की नींद सो जाते हैं। केवल यही कारण है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम कहीं ना कहीं स्थिर हुए हैं।